हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वर्ल्ड। आज मैं आप लोग के साथ बगिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। इस रेसिपी के लिए 250 ग्राम चने दाल को मैं रात में ही भिगोकर रख दी थी। अब गैस पर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अब हम दूसरी तरफ आटे को, चावल के आटे को अच्छी तरह से छान लूँगी। इस रेसिपी के लिए हम 1 केजी चावल के आटा ली हूँ। भीगे हुए चने दाल को अच्छी तरह से धोकर इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। सारी दाल को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। दूसरी तरफ मेरी पानी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम उसे थोड़े थोड़े निकाल कर और आटे में मिक्स करेंगे। पूरा पानी गर्म होना चाहिए। देखिए सारे को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसी तरह गुथलियाँ कर करके मिला लेंगे और बाद में इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे, गूथ लेंगे। ये मेरी नानी माँ की रेसिपी है। ये बगिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हम आटे को सान लेंगे। मैंने सारे दाल को अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अब हम इसमें मिर्ची और लहसुन को भी पीस कर इसमें ऐड कर देंगे। इसका पेस्ट ऐड कर दिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। अब हल्दी ऐड करेंगे, फिर इसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आटा भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है बगिया बनाने के लिए। इसी तरह हम सारे आटे को गूंथ लेंगे, उसमें से लोई ले लेंगे और इस तरह से हम फैला देंगे। दोनों हाथों के बीच लोई को लेकर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे, बीच से इसे मोड़ के अच्छी तरह से एक दूसरे आटे में चिपका देंगे, जिस तरह दिखाया जा रहा है। अब इसमें आप डिफरेंट तरह की शेप भी दे सकते हैं या फिर ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तब हमारी बगिया का शेप रेडी हो गया है। इसी तरह सारी बगिया को हम बना कर रख लेंगे। देखिए मेरी कितनी सारी बनकर बगिया पहले से रेडी है। अब हम इसी तरह लोई लेकर अच्छी तरह से फैला देंगे और इसमें हम दाल को ऐड करके इसी तरह का शेप दे देंगे और सारी बगिया को शेप दे देंगे। फिर हम दूसरी तरफ केतली में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। ये मेरी नानी माँ की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर घर पर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये चना दाल की बगिया खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस रेसिपी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही साथ आप लोग को मिल जाएगी। इस बगिया को आप 2 दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं। इस बगिया को अगर आप सुबह में भी तलकर खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब मेरी सारी बगिया बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तरफ जो हम पानी गर्म करने के लिए रखे थे उसमें हम तेल को ऐड करेंगे। खौलता हुआ पानी में ही आप तेल ऐड करें। अब हम इसमें धीरे धीरे सारे बगिया को ऐड कर देंगे। सारे बगिया को ऐड करने के बाद इसे ढक देंगे और 15 से 18 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए 15 से 18 मिनट हो गया है। अपनी बगिया को चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह उंगली से दबा दबा कर आप इसे चेक कीजिए कि ये पकी है कि नहीं। साफ
सावधानी पूर्वक चेक कीजिएगा क्योंकि ये गर्म होता है। देखिए मेरी बगिया तो पक गई है। अब इसे हम अच्छी तरह से चेक करने के बाद हम इसमें का सारा पानी निकाल देंगे। देखिए जिस तरह हम इसमें का सारा पानी निकाल रहे हैं उसी तरह आप सावधानी पूर्वक इसमें का सारा पानी आप निकाल दें। 5 मिनट आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें, फिर इस बगिया को हम साफ पानी से धो लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस सारी बगिया को धो लेंगे। अगर मेरी नानी माँ की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये बगिया कैसी बनी, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हम बगिया को अचार के साथ, परवल के सब्जी के साथ सर्व किए हैं। आपके घर में जो भी सब्जी हो और आप उस सब्जी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये परवल की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाइए, उसमें आपको परवल की सब्जी मिल जाएगी। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इंजॉय कीजिए, खाइए और खिलाइए। देखिए हम बगिया को कट करके दिखाए हैं कितना अच्छा बना है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। और सबसे ज़रूरी बात, आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thanks for watching this video guys. Bye bye. Take care.